हाँ चलो सुनो, सबसे पहले बात करते हैं आदर्श गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सुनो, अपने पास क्या होता है पीवी इक्वल टू आर टी। आओ जरा, फोर आइडल गैस, पीवी इक्वल टू आर टी। चलो इसका मतलब वी इक्वल टू आर टी ओवर पी। अपन क्या चाहते हैं, डेल वी ओवर डेल टी चाहिए अपन को। आओ जरा, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी क्या होगा, आर अपॉन पी। टी के रेस्पेक्ट में टी का करोगे तो वन हो जाएगा। चलो म्यू जे टी क्या होता है, म्यू जे टी डी टी ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट एच इट्स इक्वल टू वन ओवर सी पी टी डी वन ओवर सी पी डेल वी ओवर डेल टी। ये क्या हो गया, आर ओवर पी माइनस बी। एक्चुअली वी का वैल्यू आर टी अपॉन पी है, वन ओवर सी पी आर टी ओवर पी माइनस आर टी अपॉन पी क्या हो गया, जीरो। इंपॉर्टेंट फैक्ट, म्यू जे टी इक्वल, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक जीरो होता है। म्यू जे टी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, जरा आगे की बात करते हैं अपन। पहले एक बार की म्यू जे टी इक्वल टू वन ओवर सी पी टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस। अभी अपन बात करेंगे वांडरवाल गैस के लिए। सुनो जरा, इधर आओ, वास्तविक गैसों के लिए या वांडरवाल गैसों के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए जो अवस्था समीकरण होता है, हाँ, फॉर रियल गैसेस पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। हाँ, ए और वी क्या होते हैं, वांडरवाल कोफिशियंट होते हैं, कल भी डिस्कस किया था। आदर्श गैस के लिए दोनों के वैल्यू जीरो होते हैं, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू क्या हो गया, आर टी। अपन क्या करते हैं, पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। आओ जरा, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी ओवर बी माइनस वी, इसका मीनिंग पी इक्वल टू आर टी ओवर बी माइनस ए ओवर वी स्क्वायर। अपन क्या करते हैं, नियत दाब पर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। आओ जरा, नियत दाब पर टी के सापेक्ष अवकलन, टी का करोगे तो जीरो इज इक्वल टू आर
के माइनस, टी का करोगे तो टी के रेस्पेक्ट में वन होता है माइनस। अच्छा सुनो, प्लस टी को कांस्टेंट मान लेते हैं आर, पी माइनस वी का करोगे ये वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स का कर दो तो माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के वन अपॉन पी माइनस वी का स्क्वायर। पी माइनस वी का करोगे तो इस टर्म का क्या हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल टी माइनस, ए कांस्टेंट टर्म है, वी स्क्वायर का करोगे तो टू ए ओवर वी क्यू डेल वी ओवर डेल टी। जरा देखो एक बार की, वी स्क्वायर का करते हो तो माइनस के टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वी क्यू हो जाएगा, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है चलो, आपके पास वैल्यू क्या आया, जीरो इक्वल टू आर ओवर वे माइनस डेल वी ओवर डेल टी आर टी अपॉन वी माइनस वी का स्क्वायर माइनस टू ए ओवर वी क्यू। ठीक है चलो, जरा देखो एक बार की, फिर अपन बात करते हैं। देखो जरा आगे बात करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गया, अपन ने क्या किया है, कांस्टेंट प्रेशर पर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, आर अपॉन बी माइनस बी को कांस्टेंट रखा, टी का टी के रेस्पेक्ट में करते हो तो वन क्या है? जीरो इक्वल टू आर अपॉन बी माइनस बी माइनस डेल बी ओवर डेल टी आर टी अपॉन बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस टू ए ओवर बी क्यू। ठीक है चल, अपन क्या करते हैं, अपन जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आओ जरा, जीरो इक्वल टू आर ओवर बी माइनस बी माइनस डेल बी ओवर डेल टी, एलसीएम ले लो जरा एक बार की, वी क्यू वे माइनस वी का स्क्वायर, आपके पास वैल्यू बनेगा आर टी वी क्यूब माइनस टू ए वे माइनस वी का स्क्वायर। डेल वी ओवर डेल टी आर टी वी क्यूब माइनस टू ए वे माइनस वी का स्क्वायर अपॉन वी क्यू वे माइनस वी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के आर ओवर वी माइनस वी। ठीक है, अपन चाहिए डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी चाहते हैं अपन। अपन डेल वी ओवर डेल टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, नियत दाब पे तो चल ही रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इसलिए डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन वी माइनस वी आर टी वी क्यूब माइनस टू ए वी माइनस वी का स्क्वायर अपॉन वी क्यूब वी माइनस वी का स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल, आर से अपन आर कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास जो वैल्यू बचा इज इक्वल टू माइनस के आर वी क्यू वी माइनस वी अपॉन, एक मिनट, आर टी वी क्यू माइनस टू ए वी माइनस वी का स्क्वायर। ठीक, हाँ जरा आओ इधर, ये डेल वी ओवर डेल टी है, ये एट कांस्टेंट पी ही है ये, क्योंकि नियत दाब पे लिया है अपन ने। अपन क्या करते हैं, आर टी अपॉन वी क्यूब कॉमन ले लेते हैं, माइनस के आर वी क्यू वी माइनस वी अपॉन वन माइनस टू ए वी माइनस वी का स्क्वायर अपॉन आर टी वी क्यूब। आर वी क्यूब से आर वी क्यूब कैंसल, आपके पास जो टर्मिनोलॉजी बची
वैल्यू क्या आया, माइनस वी माइनस बी अपॉन टी वन माइनस टू ए ए माइनस वी का स्क्वायर अपॉन आर टी बी। ठीक है, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं। जरा देखो फटाफट से, आगे बात करें। आप लोग ऐसा किया कीजिए, जो भी टॉपिक स्टार्ट होता है उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ, आपके लिए थोड़ा सा फायदे का सौदा रहेगा ये। हाँ, जो भी टॉपिक से जो पढ़ा रहे हैं, कई बार ऐसा है कि अगर आपके नोट्स में भी नहीं मिल रहा वो टॉपिक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका। चलो आगे सुनो जरा काम की बात। देखो जरा, आपके पास वैल्यू क्या आया, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस वी माइनस वी अपॉन टी वन माइनस टू ए ए माइनस वी का स्क्वायर अपॉन आर टी वी क्यू। अच्छा सुनो सर जी, जरा एक छोटा सा, हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, आप लोग अगर लिखते हो तो ये ठीक है, ये अच्छी अच्छी बात है। हाँ जरा सुनो, चूंकि वी इज लेस लेस देन वी, इसलिए अपन क्या करते हैं, ये जो वी माइनस वी है उसका स्क्वायर है, उसको चेंज करके वी स्क्वायर लिख देते हैं अपन। ठीक है, एक्चुअली अपन को काम है, अपन ऊपर वाला टर्म चेंज नहीं करेंगे, जूल थॉमसन कोफिशियंट बनाने के लिए उससे थोड़ा काम रहेगा, इसलिए अपन v माइनस वी के स्क्वायर को v स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि v लेस लेस देन होता है v से। इस वाले पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, केवल इस वाले पार्ट को चेंज करेंगे, क्योंकि v का एक टर्म आएगा आगे। कल अपन बात कर रहे थे ना विक्रमण ताप की, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की, टी आई इक्वल टू टू ए ओवर आर वी, वो v का टर्म अपने काम आएगा, इसलिए अपन उसको चेंज नहीं कर रहे। डेल v ओवर डेल t एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू माइनस v माइनस v अपॉन टी, देखो जरा वन माइनस टू ए वी स्क्वायर ओवर आर टी वी क्यूब। आपके पास वैल्यू बचा माइनस वी अपॉन टी वन माइनस टू ए ओवर आर टी वी। ठीक, जरा एक बार की देखो, एक और काम करते हैं आगे, टी को इधर ट्रांसफर कर दो, टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस वी माइनस वी अपॉन वन माइनस टू ए ओवर आर टी। अपने पास t डेल v ओवर डेल t एट कांस्टेंट p का वैल्यू आ गया, अपन क्या करेंगे, म्यू जे टी वाला जो पार्ट है अपने पास, जरा उसमें वैल्यू रखेंगे पहले, फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा सा कहीं चेंज है, माइनस ठीक है, ओ ये माइनस माइनस है ना, प्रॉब्लम कर रहा है, पर तो प्लस की टर्म आनी चाहिए, ये सारी जो माइनस है वो प्लस हो जाना चाहिए एक बार की, तो ये जो माइनस है वो प्लस का टर्म बनना चाहिए। अच्छा अपन क्या करते हैं, इसको v माइनस वी वन माइनस टू ए ओवर आर टी वी पावर माइनस वन। ठीक है, ए लेस लेस देन होता है वी से, ये वैल्यू कम है, हाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा,
एक्चुअली हुआ क्या है, अपन अपने पास जो ये टर्म थी डेल वी ओवर डेल टी, अपन ने माइनस की इस टर्म को यहाँ रखा था, उसको चेंज करके उधर भेज दिया था, माइनस के आर वी माइनस वी, इसको ट्रांसफर करके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, वी माइनस वी वन माइनस टू ए अपॉन आर वी, तो टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू वी माइनस वी वन प्लस 2a over RTV. हमने क्या किया, binomial expansion, द्विपद प्रमेय का प्रसार लगाया, 1 minus x की पावर n होता है तो क्या लिखते हो उसको, 1 minus nx plus n n n minus 1 factorial 2 upon x square plus आगे ऐसे ही मूव कराते चलते हो, ठीक है, तो अपन ने वो एक टर्म ले ली t del v over del t at constant p equal to v minus v 1 plus 2a upon RTV, ठीक है, जरा इसको ओपन करो, आगे बात करते हैं तब. बस एक मिनट रुको, टॉपिक तो पूरा कराते थे. आओ जरा देखो, टी डेल भी, अच्छा ऐसा करते हैं अपन ये पूरा की पूरा वैल्यू वहां रख लेते हैं, इसलिए म्यू जे टी इज इक्वल टू वन ओवर सी पी वी माइनस बी वन प्लस टू ए अपॉन आर टी वी माइनस बी. हाँ, वैल्यू क्या बनेगा, वन अपॉन सी पी वी माइनस वी प्लस टू ए वी माइनस वी अपॉन आर टी वी माइनस वी, ये आंसर, ठीक है, आपके पास वैल्यू आया टू ए आर. एक्चुअली अपन क्या करते हैं, अब जो वी माइनस वी है, ठीक है, उसे अपन जरा काम में ले लेते हैं. आओ जरा इधर, इज इक्वल टू वन अपॉन सी पी माइनस बी प्लस टू ए अपॉन आर टी प्लस टू ए बी अपॉन आर टी बी. एक्चुअली ये जो ए बी है, ए और बी वैंडरवाल कोफिशियंट होते हैं, इसका वैल्यू कम होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं इस वाले टर्म को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ये नगण्य होते हैं. तो आपके पास जो वैल्यू बनेगा, वन अपॉन सी पी 2a over rt minus b, mu jt का वैल्यू, और ये क्या होता है, ये वैन डर वाल गैसों के लिए कोफिशियंट होता है, ठीक है, mu jt equal to 1 upon cp 2a upon rt minus b. वास्तविक गैसों के लिए क्या आया था, mu jt equal to 0, और वैन डर वाल गैस के लिए mu jt equal to 1 upon cp 2a upon rt minus b. अपन आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और वहीं से टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे. यह है वास्तविक गैसों के लिए, जेटी कोफिशियंट, ठीक, जरा देखो एक बार की इसे, आगे की इसके सारे की आगे की जो बातें हैं वो अपन कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है. Thank you.